जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके लक्ष्य में। आज ये लेसन हम सीखेंगे, माता रानी का बड़ा प्यारा सा भजन है। अपने खास व्यूवर की फरमाइश पर हम इसको बना रहे हैं। मैया खो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में, ठीक है। और वैसे तो फिल्मी धुन है, लेकिन जो सॉन्ग्स नहीं सुनते हैं या सॉन्ग्स नहीं बजा पाते, सीधा भजन ही बजाते हैं, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये लेसन। तो आज हम सीखेंगे इस भजन को, और मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आसान तरीके से एक म्यूजिक पार्ट भी इसका बताऊं और इसका स्थाई अंतर आपको सिखाऊं। तो आइएगा, अगर आप इस भजन को सीखना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, स्केल हमने रखा है दूसरा काला, ताकि आप आसानी से गा सकें, बजा सकें, ठीक है। स्वर देख लीजिए, सा रे गा मा पा, ठीक है, यहीं तक के स्वर है, पा तक। और मंत्र सप्तक की आप बात करें तो कोमल नी और पा, दो स्वर ये भी लगे, पा कोमल नी और सा। अब देखिएगा इसकी जो स्थाई है पहले वो देखेंगे। मैया खो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में, मैया खो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में, मैया। ये है, ठीक है। अब देखिएगा पहली लाइन, मैया, मंत्र सप्तक के पास से शुरू हुआ है, मैया पानी सागा मैया। तेरे जलवों में गामा मापा पापा मा, गामा मापा पापा मा, तेरे जलवों में तेरे नजारों में, तेरे तेरे नजारों में, पधदा धमा मापा मगर सा तेरे नजारों में, पगदा धमा मापा मगर सा तेरे नजारों में, मैया खो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में, मैया, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी धुन पर मैंने एक राधे रानी का भजन गाया हुआ है राधाष्टमी पर। अभी वो पब्लिश हुआ था हमारा जो दूसरा चैनल है चौधरी ब्रदर्स ऑफिशियल, उस चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी धुन पर वो भजन गाया है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने आज के इस वीडियो में दे दिया है, तो आप उसको जरूर सुने, बहुत प्यारा भजन है।
और जरूर अपना प्यार दें। अब देखिएगा इसका म्यूजिक पार्ट। अब जो म्यूजिक पार्ट है ये पार्ट है, देखिएगा। इतना ये म्यूजिक पार्ट है, इसको आप दो बार बजा सकते हैं, उसके बाद चाहे इसकी स्थाई रिपीट कर सकते हैं, बजा सकते हैं हारमोनियम पर अपना गैप बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका अंतर आएगा। अब जो अंतर है वो देखिएगा। तेरा दुनिया में कौन सानी है, तेरा दुनिया में कौन सानी है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, ये हकीकत है या कहानी है, ये हकीकत है या कहानी है, ठीक है, ये है। अब देखिएगा, तेरा दुनिया में नी 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 सा सा सा, तेरा दुनिया में नी 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 सा सा सा, कौन सानी है निसा गारे सा, कौन सानी है निसा गारे सा, ठीक है। तेरा दुनिया में कौन सानी है, सेकंड लाइन भी सेम आएगी। ये हकीकत है या कहानी है, इसके बाद ये दोनों लाइनें फिर दूसरी धुन में गाई जाएगी, लिरिक्स यही रहेंगे, धुन चेंज होगी। क्या, तेरा दुनिया में कौन सानी है, ये हकीकत है या कहानी है, इसका नोटेशन देखिए, गा मा गा रे नी सा गा रे सा सा, गा मा गा रे नी सा गा रे सा सा, तेरा दुनिया में कौन सानी है, ये हकीकत है या कहानी है, ठीक है, ये नोटेशन है इसका होगा। इसके बाद फिर ऊपर की जो लाइन है वो सेम वही आएगी जो स्थाई में आपने सेकंड लाइन बजाई थी, कौन सी, नूर तेरा है चांद और तारों में, नूर तेरा है चांद और तारों में, मैया खो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में, मैया। इस तरह से आप इसको अच्छे से प्ले कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी, बिगनर्स को हेल्प मिलेगी, और कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कीजिए आप प्रैक्टिस। जय माता दी। आने वाले पावन नवरात्रों की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग। जय माता दी।